विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। श्रीनाथ जरूर एक तरफ सेना देश की रक्षा करती है, वही दूसरी ओर कई सामाजिक कार्य भी करती है ताकि आवाम को इसका फायदा मिल सके। पुंछ में सेना की तरफ से सरला बटालियन की तरफ से सीमावर्ती गांव गुलपुर के ग्राउंड में गुलपुर मेगा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। जिसमें पुंछ टाउन के साथ साथ सीमावर्ती गांव की 30 के करीब टीमें हिस्सा ले रही है। आज के टूर्नामेंट में खास बात यह है, इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि तौर पर पूर्व भारतीय टीम के खिलाड़ी और कर्नाटका रणजी टीम के हेड कोच श्रीनाथ अरिवंत थे। अपने बीच इंडिया टीम के किसी खिलाड़ी को देखकर नौजवानों में काफी उत्साह देखा गया। कमांडिंग ऑफिसर सरला इंडिया को रिप्रेजेंट किया T20 फॉर्मेट। इस मौके पर सरला बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के सभी अधिकारी भी मौजूद थे। वही श्रीनाथ अरविंद का कहना ही कि हम सेना की सरला बटालियन का धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल सीमा पर इस तरह के प्रोग्राम करवाया गया, इससे LOC रहने वाले खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी ओर गांव के लोग और खिलाड़ियों ने सेना की सरला बटालियन की इस कोशिश की बड़ी प्रशंसा की। पब्लिक वॉइस की रिपोर्ट। जी जैसे हम सब जानते हैं कि आज गुलपुर T20 जो टूर्नामेंट है आज दुर्गा स्टेडियम जो अजोट में है बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है, वहाँ उसका इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं हम लोग पहले तो थैंक यू करते हैं इंडियन आर्मी को कि इंटरनेशनल प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, RCB में IPL में रिप्रेजेंट कर चुके हैं S अरविंद, वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट थे इस टूर्नामेंट को और उन्होंने इस टूर्नामेंट को ओपन डिक्लेयर किया। तो उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे यंगस्टर्स के साथ इतने दूर दराज एरिया के साथ कि वो कैसे खेल के निकले हैं। इन्हीं की तरह उन्होंने भी बेसिक ऐसे ही शुरू किया था लेकिन वो उनकी जो डिटर्मिनेशन थी जो उनका जुनून था वो उनको इंडिया तक लेके गया। तो वही उन बच्चों को उन्होंने बताया कि आपको कैसे मेहनत करनी है। तो ये बड़ा अच्छी है, एक इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है कि जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनको हमारी यंग जनरेशन के साथ में इंट्रैक्शन करवाई जाए, उनसे मिलाया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो सही राह पर रहें, स्पोर्ट्स को चुने, ना कि कहीं दूसरी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करें। ये जो LOC पर टूर्नामेंट आज करवा रहे हैं ये हमारे आर्मी इंडियन आर्मी साहब, ये टूर्नामेंट आज बहुत अच्छा लग रहा है मगर हमारी इंडियन आर्मी ने खाली टूर्नामेंट भी नहीं कराया, यहाँ सद्भावना के काम भी करवाए और तरह तरह हर मुसीबत में हमारी इंडियन आर्मी जो है वो आगे आगे बढ़ती रही है और हमेशा सिविल लोगों के साथ और इंडियन आर्मी का बहुत ही अच्छा सलूक रहा है। आज भी ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं बच्चों में बड़ा टैलेंट है और बच्चे यहाँ आसपास के गांव से आए हैं और बड़ी खुशी से आए हैं। जो ये अरविंद कुमार अपना खिलाड़ी वहाँ बंगलोर से आए, हम तो ये नई बात सुनते हैं कि इतने दूर से अगर कोई हमारे यहाँ बच्चों को सपोर्ट करने आए तो हम उनका शुक्रगुजार हैं और लेने वालों को हमारी इंडियन आर्मी जो लाई है उसके भी हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि LOC पर हमारे यहाँ गाँव से इस गांव से बिल्कुल हवाई तो 100 मीटर भी 200 मीटर होगा टोटल पाकिस्तान LOC, मगर इस LOC पर भी हम अपनी आज़ादी से अपने आराम से हमारे बच्चे खेल रहे हैं और हम बड़ी खुशी और चैन से रह रहे हैं। हमारी बहादुर फौज इंडियन आर्मी जो है
हम तो रात सो जाते हैं, ये खड़ी रहती है, हमें कोई डर कोई फिक्र नहीं, बिला खौफ ही हमारे बच्चे लड़ रहे हैं इधर, और हम इसका शुक्रगुजार हैं। सर, जो सरला बटालियन है उन्होंने यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया कि वो बूस्ट कर पाए जितने भी गांव के बच्चे हैं। देख सकते हो कि विलेज जो है यहाँ गुलपुर जो है कि बॉर्डर के कितने करीब है, तो ये एक एक्सपोजर है इंडियन आर्मी तरफ से, एक इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने उस इनिशिएटिव के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेयर जो है एस अरविंद उनको यहाँ बुलाया। तो ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट है इंडिया हमारे पुंछ के लिए कि एक ऐसे प्लेयर जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, एक वो एक मोटिवेशन है हम सबके लिए कि जिस उन्होंने किस लेवल से स्टार्ट किया था और वो आज किस लेवल पे हैं। तो ये एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि अगर डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप किसी भी लेवल पे अचीव कर सकते हो। बड़ी मैं कहता हूँ कि एक बड़ी खुशकिस्मती है, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी मैंने अपने लाइफ में देखा है कि आज यहाँ एक गुलपुर ग्राउंड में जो आर्मी की तरफ से एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मैं पूरी जो जितने भी यहाँ पर टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं जो आर्मी हमारे सीओ साहब हैं मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हमें एक बड़ा अच्छा मौका दिया। उसके बाद एक कर्नाटका से जो अरविंद सर यहाँ पर आए हैं कि एक इंडियन टीम के प्लेयर हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है कि आज बिल्कुल यानी कि ज़ीरो लाइन है, ये हमारी ज़ीरो पॉइंट है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर एक कर्नाटका से जो प्लेयर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो ये हमारे लिए बड़ा खुशी है। उन्होंने भी एक मैसेज दिया है कि यहाँ से आप जो लड़के टैलेंट शो करेंगे मैं उनको बंगलोर जो अकेडमी वहाँ लेके जाऊँगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आज ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर।